नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है राजस्थान की आज की 2 जुलाई की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राजस्थान से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बंद। कोरोना संक्रमण थमने के बाद भी नहीं सुधरे हालात। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सहित सभी शहरों से गायब हुई इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। राज्य में हवाई सेवा की स्थिति बदहाल है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जयपुर हवाई अड्डे के साथ साथ प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट संचालन लगभग बंद के कगार पर हैं। उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स भी दूसरी लहर के दौरान बमुश्किल चल पा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा जिले से बड़ी और अहम खबर आ रही है। 10 लाख में बाप ने किया बेटी का सौदा। 15 साल की उम्र में पहले बाल विवाह करवाया, फिर गोने में 1 लाख रुपए नहीं मिले तो मोटी रकम लेकर दूसरी जगह रिश्ता करवाया। राजस्थान के कोटा में बाल विवाह के नाम पर एक पिता द्वारा अपनी बेटी का सौदा करने का मामला सामने आया है। पिता को गोने में लड़के वालों ने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने 10 लाख रुपए में बेटी का सौदा करके दूसरी जगह सगाई भी तय कर दी है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया है कि लक्ष्मी से भाई बहनों में सबसे बड़ी है और 9वीं में पढ़ती है। साल 2019 में 15 साल की उम्र में उसकी शादी रावतभाटा में हुई थी। शादी के बाद गौना करने की बात कहकर पिता ने ससुराल पक्ष से 1 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो 10 लाख रुपए में बेटी का सौदा करवा दिया। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान में मानसून भले ही प्रवेश कर गया हो, लेकिन अभी भी गर्मी का कहर बरकरार है। बीते 2-3 दिनों से प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में तेज गर्मी और लू का दौर बना हुआ है, जो आज भी जारी रहने की संभावना है। स्थिति यह है कि दिन के साथ साथ लोगों को रात में भी गर्मी का सहन करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग जयपुर के कार्यभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि अगले 4 दिन तक राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का कोई आसार नहीं है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक बना रह सकता है, साथ ही कुछ जिलों में गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पायलट गहलोत गुट में संतुलन बनाने का फॉर्मूला। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जोधपुर, जयपुर और कोटा में 2 नगर निगम की तर्ज पर 2-2 जिला अध्यक्षों की हो सकती है नियुक्ति। संगठन में अधिक लोगों को एडजस्ट भी किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि गहलोत समर्थक बाड़मेर के 3 विधायक दिल्ली के लिए रवाना। अमीन खान, मदन प्रजापत और मेवाराम जैन गए दिल्ली। शनिवार को राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मिलकर रखेंगे अपनी बात। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के माने जाने वाले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और पसपदरा विधायक मदन प्रजापत और वरिष्ठ विधायक अमीन खान दिल्ली के नेताओं से मिलने रवाना हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि CBSE 12वीं रिजल्ट असाइनमेंट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। अनुपस्थित रहे स्टूडेंट्स की मार्कशीट पर अंकित नहीं होंगे 0 मार्क्स, लिखा जाएगा ये नोट। CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 12वीं रिजल्ट जो असेसमेंट है उनके लिए एक नया प्रावधान किया है, जिसके तहत वे विद्यार्थी जो विद्यालय के पूरे प्रयास करने के बाद भी किसी प्रकार के ऑफलाइन या ऑनलाइन असेसमेंट भाग नहीं ले सके, यानी कि एबसेंट रहे हैं, मार्क्स अपलोडिंग के दौरान 0 नहीं लिखा जाएगा। ये बड़ी खबर है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रसोई गैस के दामों की बढ़ोतरी को लेकर CM अशोक गहलोत ने मोदी पर हमला बोला है। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर CM अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ट्वीट के माध्यम से कहा है कि गैस इतना महंगा हो गया है कि आमजन कोयला और लकड़ी इस्तेमाल करने को मजबूर हो चुका है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत का होम क्वारंटाइन 15 दिन में ही खत्म। राज्यपाल से मिले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने फिर पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित होने के बाद भी 15 दिन में अपना जो क्वारंटाइन है वो खत्म कर दिया है, बल्कि डॉक्टरों ने 2 महीने की सलाह दी थी। राज्यपाल के जन्मदिन पर बधाई देने वो राजभवन पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नहीं तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।